खबरों का खबर पठानकोट से है, जहां पर 2022 विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी द्वारा कई वायदे किए गए थे, जिसमें उनके द्वारा लोगों को बिजली के 300 यूनिट प्रति महीना माफ करने का दावा किया गया था। और सरकार बनने के बाद आज लोग इंतजार में हैं कि कब बिजली के बिल माफ होंगे। ऐसे में जिला पठानकोट के गांव राजपुरा में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री लालचंद ने यहां हिमाचल चुनावों की जीत का दावा किया। वहीं पंजाब के लोगों को जल्द बिजली में रियायत मिलने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाले जो बिजली के बिल है, हो सकता है कि वो शून्य हो, लेकिन ये बिल सिर्फ उन लोगों के शून्य होंगे। अभी जो लाभार्थी हैं, वो सभी लोगों को इस योजना के अंदर नहीं लिया गया है। देखो, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी का जिहड़ा विकास मॉडल है, जिहदे तो प्रभावित होकर पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी नूं पंजाब च लिआंदा। हुण पंजाब ने जिहड़ी मतलब पंजाब के लोगों ने जिहड़ा बंपर वोटां पा के आम आदमी पार्टी नूं मौका दिता, पंजाब की विक्टरी का गुआंढी राज्यां दा बड़ा वड्डा असर है। मैं भी 4-5 दिन पहले हिमाचल जाके आया और बहुत उम्मीद के नाल, बहुत आसा के नाल लोग आम आदमी पार्टी हिमाचल देख रहे। अज जो मंडी के अंदर श्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई कट होया, वो हिमाचल के इतिहास में नवेकले कट्ठा चो कट है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंत्योदय योजना में 4 नई स्कीमों को जोड़ने का शुभारंभ किया है, जिसके तहत आयुष्मान भारत स्कीम, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, पीपीपी के जरिए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र शामिल किए जाएंगे और इसमें सिरसा और कुरुक्षेत्र जिले के लाभार्थियों के लिए राशन वितरण भी शामिल है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लोन का विवरण भी शामिल होगा। कश्मीरी पंडितों के लिए मिशन वचन पूर्ति भी मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। कश्मीरी पंडितों के 209 परिवारों को स्कीम के जरिए प्लॉट मिले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आज़ाद भारत में व्यवस्था परिवर्तन का दिन है, जहां 7 साल पहले जो मुहिम शुरू की, आज उसके परिणाम सामने आए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इंडो कनाडा चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास को गति देने और लोगों के कल्याण को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कनाडा में निवेश को लुभाने के लिए एक हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा और इस संबंध में भारत सरकार से भी परामर्श लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह हेल्प डेस्क हरियाणवी एनआरआई व देश के अन्य एनआरआई उद्यमियों को एक राज्य में अपने उद्यम स्थापित करने के लिए सुविधा प्रदान करने के साथ साथ वर्तमान राज्य सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी देगा।